अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी समर वेकेशन बहुत अच्छे से इंजॉय की होंगी। अब हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके समर पैक की रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है? समर पैक में आप फर्स्ट पेज खोलेंगे, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट पेज आप खोलेंगे तो इस पर क्या है, जॉइन द लेटर इन अ सीक्वेंस टू कम्प्लीट द पिक्चर। यहाँ पर इस फर्स्ट पेज पर आपको एक पिक्चर दी गई होगी, आपने क्या करना होगा, डॉट्स को ज्वाइन करते हुए इस पिक्चर को कंप्लीट करना होगा, यानी कि लेटर ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, एंड सो ऑन करते करते आपने जी तक, स्मॉल जी तक पहुँच जाना है, ठीक है? और इस तरीके से आपका सेकंड पेज होगा। हमारे पास सेकंड पेज में क्या है, लेटर ए को आपने यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग पढ़ते हैं, राइट लेटर ए विद द करेक्ट फॉर्मेशन बाई यूजिंग डिफरेंट कलर्स, मैच द लेटर ए विद द करेक्ट पिक्चर। आपने यहाँ पे क्या करना है, लेटर ए को मैच भी करना है, जैसे कि ए सेज अ एप्पल, अ आंच, अ एस्ट्रोनट। इस तरीके से नीचे एप्पल्स दिए गए हैं, जिन एप्पल्स में लेटर ए लिखा होगा स्मॉल ए, आपने उनमें कलर कर देना है। मैंने यहाँ पे टिक कर दिए। उसके बाद आपने लेटर ए को ट्रेस करना है और नीचे आपने ख़ुद से राइट करना है। सेकेंड पेज की तरफ आते हैं। सेकेंड पेज में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है लेटर बी, सेम एज इट जैसे आपने पीछे किया था लेटर ए को, आपने लेटर बी को कलर इनमें, मतलब कलर कर देना है कैपिटल बी और स्मॉल बी में। उसके बाद आपने इनको मैच करना है, बनाना, बेयर, बुक, और आपने ये नीचे बैलून्स बने हुए, जिन बैलून्स में लेटर बी होगा स्मॉल बी, जैसे कि इसमें, इसमें, इसमें आपने कलर कर देना है। नीचे आपने लेटर बी को ट्रेस करना है और फिर नीचे खुद से राइट करना है, नीचे आपके डॉट्स लगे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग, सेम एज इट, उसमें लेटर सी है आपके पास, लेटर सी में आपने क्या करना है, इन दोनों में आप लोगों ने कलर कर देना है। उसके बाद सी से बनने वाली चीज़ों को मैच करना है, जैसे कि ख ख कैरेट, ख ख कैमल, ख ख केक। आपने इसी किसी रिवाइज भी करना है जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। फिर आपने लेटर सी वाली कैप में कलर कर देना है, नीचे आपने लेटर सी को ट्रेस करना है और फिर नीचे खुद से लिखना है। आपका नेक्स्ट पेज होगा, नेक्स्ट पेज में भी सेम वही पैटर्न है, आपने क्या करना है, डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी में कलर करना है, डी से बनने वाली चीज़ों को मैच करना है, जैसे कि डक, ड्रम, डोर। नीचे आपने डॉल्फिन में कलर करना है, ठीक है? और फिर आपने लेटर डी को ट्रेस करना है, लेटर डी को नीचे राइट करना है, डॉट्स आपकी इस पे, आपकी वर्क बुक पे लगे होंगे। नेक्स्ट पेज खोलेंगे हम लोग, इस पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। कलर द स्पेस दैट हैव लेटर ई एंड फाइंड द पिक्चर। वो कहते हैं कि नीचे एक पिक्चर दी गई है, आपने इसमें क्या करना है, लेटर ई को, जस्ट लेटर ई को कलर कर देना है। मैं आपके डॉट लगा के आपको बता रही हूँ, देखें जहाँ जहाँ मैं डॉट लगा रही हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कैपिटल ई लिखा हुआ है, आपने इन कैपिटल ई को बॉक्सेस को कलर कर देना है तो आपके पास एक पिक्चर बन जाएगी। लास्ट में आप लोग खुद ही बताइएगा कि ये किस चीज़ की पिक्चर है, ठीक है? और आपने नीचे लेटर ई को ट्रेस करना है, फिर लेटर ई को खुद से लिखना है, कैपिटल ई को भी और स्मॉल ई को भी। नेक्स्ट आप पेज चलते हैं, इस पर क्या है हमारे पास, इस पर है फाइंड द वे जॉइन द डॉट्स ए टू एफ, कलर द पिक्चर। सबसे पहले आपने फिश को कंप्लीट करना है, लेटर ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ई के साथ, ई को एफ के साथ, इसी के से करते करते आपने ये पिक्चर कंप्लीट करनी है। और आपने यहाँ से एफ को ड्रा करना है पेंसिल के साथ, ऐसे ऐसे, फिर आप ऊपर जाएंगे इस साइड पे, इस साइड पे नीचे आएंगे, आपने खुद से वे ढूँढना है, ठीक है? और एफ़ को कम्प्लीट करना है। यहाँ पे आपके पास पेंसिल्स होगी ना तो आप अच्छे से कर लेंगे। ये देखें एफ़ कंप्लीट होगा, नीचे आपने एफ़ को ट्रेस करना है और फिर एफ़ को राइट करना है। अगला पेज देख लें आप, इस पे आपने क्या करना है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ड्रा द लेटर टू कंप्लीट द पिक्चर ऑफ जी, कैपिटल जी स्मॉल जी थ्रू द मेज। वो कहते हैं इसमें आपने मैच करना है कैपिटल जी को स्मॉल जी के साथ, स्मॉल जी को फिर से कैपिटल जी के साथ, जैसे कि कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर स्मॉल जी को कैपिटल जी, कैपिटल जी को स्मॉल जी, स्मॉल जी को कैपिटल जी, कैपिटल जी को स्मॉल जी, और स्मॉल जी को कैपिटल जी, कैपिटल जी को स्मॉल जी, स्मॉल जी को कैपिटल जी। इस तरीके से करते करते पूरी मेज़ में जितने भी आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी मिलेंगे आपने इनको मैच कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास, लेटर एच, उस पर है सर्कल द लेटर एच एंड कलर द पिक्चर
दैट स्टार्ट विद लेटर एच। यहाँ पे सबसे पहले आपने लेटर एच को सर्कल कर देना है। ये देखिए, ये है एच, ये है एच। इस वाले ऊपर वाले डब्बे में जितने भी आपको एच नज़र आएंगे आपने उनको सर्कल कर देना है। उसके बाद हैंड में कलर करेंगे, हैंड में कलर करेंगे, हैट में कलर करेंगे, हाउस में कलर करेंगे, ठीक है, और इसमें भी, हिप्पोपोटामस में भी। उसके बाद नीचे आपने लेटर एच को, कैपिटल एच है या स्मॉल एच है, इसको आपने ट्रेस करना है और राइट भी करना है। ये आपका ये पेज डन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम लोग, राइट द नंबर टू सीक्वेंस द कार्ड्स। अब वो कहते हैं कि आप क्या करें, सीक्वेंस के साथ नंबर को लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ, आपको यहाँ से इजीली समझ आएगा। देखिए, पहले ना एक छोटा सा लार्वा था, बटर प्लांट के ऊपर छोटा सा एग है, ठीक है, बटरफ्लाई का एग। एग से फिर क्या निकला, लार्वा, यानी कि हम इस वाले पिक्चर को नंबर वन, इसको टू, और इसको लास्ट में क्या बन गई, थ्री, ठीक है। और इस तरीके से जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, पहले हम नंबर वन बच्चे मतलब बॉय को, फिर इसके बाद बॉय चेंज होता है मैन में, इसको नंबर टू दे देंगे, फिर मैन चेंज हो जाता है ओल्ड मैन में, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से पहले आपके पास क्या था, एप्पल था कंप्लीट, ठीक है, आपने उसका नंबर वन दे दिया। अब आपके पास आपने उसे ईट किया है, तो उसके बाद इसकी ये हालत थी, और जब आपने लास्ट में जब खाते खाते बिल्कुल फिनिश हो गया, आपने इसे नंबर थ्री दे देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको सीक्वेंस के साथ इस इन पिक्चर्स को नंबर देना है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास इस तरीके से। नेक्स्ट पेज में आपने क्या करना है, कलर एंड ब्राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। वो कहते हैं इन पिक्चर्स को एक तो आपने कलर करना है और दूसरा इनका फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे कि सबसे पहले इधर है गोट, आप गोट में कलर करेंगे, जी से बनती है आपने यहाँ पे जी राइट कर देना है इस डब्बे के अंदर। हॉर्स एच से एच आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। बैट बी से आपने बी में बैट में कलर करना है, बी को राइट कर देना है। एग ई से एग में कलर कर देना है, एग को यहाँ पे राइट कर देना है। आँच ए राइट कर देना है, आँच में कलर कर देना है। डक आपने डक में कलर कर देना है, डी को यहाँ पे राइट करना है। बैग उस तरीके से, कैप आपने इनमें कलर करते जाना है और इन पिक्चर्स में इन बॉक्सेस में लिखते जाना है। इस तरीके से नेक्स्ट पेज हमारे पास लास्ट वाला, इसमें क्या करना है आपने, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और इसका फर्स्ट लेटर लिखना है, जैसे कि फ्लावर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेलीकॉप्टर यानी कि एच, उसके बाद हमारे पास एलिफेंट यानी कि ई, उसके बाद हैच एच, फिर हमारे पास क्या है ये क्विल क्यू, गर्ल जी, खा सी, फिश एफ, गिफ्ट जी। ये आपका समर पैक है, आज आपको मैंने पेज नंबर 16 तक करवाया। आप सब ने अपना रिवाइज भी करना है ये पीछे से और यहाँ तक राइट करना है, ठीक है। ओके बच्चा, जिन बच्चों ने नहीं किया वो जैसे आज मैंने आपको बताया यहाँ से देख देख के इस वीडियो से आप हेल्प ले लीजिए।